ये है गुरुद्वारे के अंदर आने का ये मेन गेट, लोग इधर से देख रहे हो आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहते हैं रात 11 बजे तक, सेम इसी तरह आते रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये बंगला साहिब का ही ये पूरा परिसर, और यहाँ पे पानी देखिए पिला रहे हैं, यहाँ जो आते हैं लोग उन्हें पानी भी पिलाते हैं। तो ये है, ये देख रहे हो यहाँ पे लोग बैठे हुए विश्राम करते हैं, थके रहते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो फर्श बहुत ठंडा है। देख रहे हो लास्ट ये रोड दिख रहा है, क्रॉस हो रही है गाड़ियाँ, ये है जहाँ से लोग अंदर आते हैं, ये है लास्ट साइड का जहाँ गुरुद्वारा, इधर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये देख रहे हो यहाँ पे ये पानी पिला रहे हैं, यहाँ देखो लोग खड़े होकर पानी पी रहे हैं, ये रहा ये है। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे की जो सबसे फेमस चीज क्या क्या है यहाँ की, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये आप देख सकते हो लोग यहाँ पे शूज अपने निकाल रहे हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, फिर टोकन देते हैं ताकि आपके शूज चोरी ना हो, कहीं इधर उधर ना जाए, क्योंकि शूज स्लीपर ये सब नहीं पहन के आप अंदर जा सकते हो। ये देख सकते हो ये लोग सर पे अपने बांधे हुए हैं, ये है यहाँ का स्पेशलिटी बातें कि विशेषज्ञ यही कहते हैं कि आप अगर आए हो तो आप इनके रूल्स को फॉलो करो, नहीं करते तो प्लीज। करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ये आप देख सकते हो मैं कहाँ आया हूँ, ये दिल्ली कनॉट प्लेस में ये जगह है जिसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब, देख रहे हो आप, ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब का नजारा। आज मैं आप लोगों को वो बताने आया हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब के विषय में, यहाँ के गुरु कौन थे, आखिर ये बंगला साहिब बना क्यों, गुरु जी थे क्या वो, मतलब क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ा वेट करिए। बस मैं ये कहूंगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे कि आखिर ये बंगला साहिब को इतना अच्छा बना क्यों, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया, आखिर गुरु थे कौन, मैं सब बताऊंगा, बस आप पूरी वीडियो देखो। अंदर का सीन आप देख रहे हो, ये है पूरा गुरुद्वारा अंदर, देख लो आप, ये बैठे इतने श्रद्धालु हैं। ये हमारी बात आपसे हो रही थी गुरुद्वारे के बारे में, ये देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे का ये फ्रंट है, इधर से हम एंट्री लेते हैं। हालांकि गुरुद्वारा काफी बड़ा है, ये करीब 10 एकड़ में है, 10 एकड़ मतलब आप समझ सकते हो ये सेंट्रल दिल्ली में, दिल्ली के बीचों बीच में है, और आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो क्या, अगर यहाँ की भीड़ आप देख रहे हो, ये देखो आप यहाँ से ये एंट्री जाती है, सीधे अंदर जाते हैं लोग दर्शन करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दर्शन, ये आप पूरा नजारा देख लो क्या है, कैसे है, कितना सुंदर है। मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इतना फेमस भी, देखिए यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ पे लोग प्रसाद लेते हैं, पहले टोकन कटाते हैं पैसे, फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद लेने के बाद, ये देखो ये इधर से लोग आ रहे हैं, ये मेन गेट है, लोग यहाँ पे अपने शूज सब कुछ निकाल देते हैं। और यहाँ का सबसे मेन बात ये है कि बिना आप सर पे कुछ रखे कुछ बांधे आप एंट्री नहीं ले सकते, ये देखो सब आ रहे हैं, ये रहा ये अंदर एंट्री, एग्जिट भी करो आप और एंट्री भी इधर से करो, ये देखो आप सीधे गुरुद्वारा अंदर, गुरुद्वारा साहिब के अंदर, ये बंगला साहिब के अंदर जाने के लिए ये रास्ता है, ये आप देख सकते हो बेटर। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई अभी तक बताए नहीं मेरे अपने क्यों आखिर इतना फेमस है। सन 1753 में जब उस टाइम गुरु श्री हरिकृष्ण जी सिखों के गुरु हुआ करते थे, वो 5.5 साल की उम्र में यहाँ पे आए, और वे अपने गुरु हमारे, मैं आप लोगों से जिस तालाब की बात कर रहा था, ये देखो ये तालाब, अभी अंदर गया था जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, वीडियो ले रहा था तो मेरा कैमरा बंद करा दिया, मैं कहा कह रहे कि नहीं, मैं कहा चलो भाई नहीं ले रहा तो चलिए कोई नहीं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये
तालाब है, यहाँ पे लोग आते हैं पैर धुलते हैं, यहाँ पे मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। ये देखो, ये गुरुद्वारा साहिब बंगला साहिब का ये तालाब है। मछलियाँ अभी पता नहीं कहाँ खो गई हैं, नहीं दिख रही हैं। ये देखो आप, बंगला साहिब के अंदर लोग बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं, जो थोड़े थक जाते हैं तो बैठ के, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे। ये है बंगला साहिब के अंदर, ये तालाब के जस्ट बराबर में आप आओगे, तालाब में हाथ पैर धुलो, फिर आप आके यहाँ पे विश्राम करो, रेस्ट करो, आराम करो। ये रहा, ये देखो मैं चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये तालाब क्यों बनवाया गया, ये बंगला साहिब क्यों बना, कौन बनवाया, इन सब बारे में आपसे बताने वाला था। चलो मैं आप क्लियर करता हूँ क्यों आखिर ऐसा है, कौन बनवाया ये बंगला साहिब। 10 एकड़ इतनी बड़ी, इतने बड़े जमीन में, और सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली के बीच में, जबकि इसका अगर आज के रेट में देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। चलो मैं बताता हूँ कौन बनवाया, किसने बनवाया। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए मेरा चैनल। फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा आखिर है क्या। आप सभी से मैं कह रहा था कि मैं भी आपको तालाब के विषय में बताता हूँ कि ये तालाब क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये मैं आपको सारी बात बताता हूँ। ये देखो, ये तालाब है, क्यों लोग इसमें स्नान करते हैं, आते हैं, जल आचमन करते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं, ताकि उन्हें कोई, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई पाप लगे, ऐसा नहीं है यहाँ का फैक्ट कि पाप पुण्य के लिए नहीं। बताता हूँ मैं आपको क्यों लोग आते हैं तालाब में, क्यों पानी को अपने ऊपर छिड़कते हैं, क्यों हाथ पैर धुलते हैं अपना, क्यों अपने मस्तक तक लगाते हैं पानी को, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये पूरा नीले कलर का है पानी, बहुत अच्छा जल है, मतलब बहुत। यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो लाइक बुक्स और जो भी होते हैं सिखों के, जो भी सिख लोग यूज करते हैं, आप यहाँ देखो ये पुस्तक भंडार है, आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। ये है मेन गेट, मेन एंट्रेंस, इधर से लोग जा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेन बंगला साहिब का, ये मेन। मैं आप लोगों से बताया था कि मैं बताऊंगा बंगला साहिब क्यों बना, किसने बनवाया, क्यों आए, क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से आए, अभी मैं आप लोगों को सारी जानकारियाँ देता हूँ। ये देखो, ये अंदर जाने के लिए है, मैं धीरे धीरे अंदर देखो चल रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, देखो धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, देख रहे हो भीड़ यहाँ की, आप देख सकते हो। जबकि ये धूप हो रखी है, फर्श ये आप जो देख रहे हो, यहाँ पे पैर नहीं रखा जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्म, इतना ज़्यादा हॉट है, फिर भी लोग कहते नहीं है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ कुछ भी हो जाए। ये है, ये देखो जा रहे लोग, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अंदर आप जो देख रहे हो ये पूरा,